हेयर इज द रिजल्ट। स्कूल ने मतलब थोड़ा सा बर्डन दे रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री एक दुख भरी का था। मैंने मैथ्स में केवल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। सो हे एवरीवन, दिस इज पुष्पेंद्र एंड इन दिस वीडियो मैं अपने AITS 1 का रिजल्ट शेयर करने वाला हूँ तुम सबके साथ में। बट उससे पहले अभी अपना डे प्लान कर लेते हैं। सो टाइम इज 11:03 एंड अभी मैं अपनी टू डू लिस्ट बना रहा हूँ। आज मैं स्कूल नहीं गया, रीजन मुझे भी नहीं पता। अभी बस थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस वगैरह हो रहा है क्योंकि स्कूल के प्रैक्टिकल्स भी हैं, फिर हाफ अर्लीज भी हैं, उन्हें भी मैनेज करना है, फिर साथ में क्लासेस भी हैं, प्रैक्टिस भी है, बहुत सारी चीजें हैं। एंड अभी मैं जितना कोशिश कर पा रहा हूँ, जितने अच्छे से मैं मैनेज कर पा रहा हूँ, उतने अच्छे से मैं मैनेज कर रहा हूँ। बाकी थोड़ा बहुत चीज तो रह जाती है, लाइक कभी रिविजन रह जाता है, कभी प्रैक्टिस रह जाती है। एंड 4 अक्टूबर से मेरे प्रैक्टिकल्स हैं, तो प्रैक्टिकल्स के लिए कॉपीज दिखानी होंगी अपने स्कूल के, तो उनको कंप्लीट भी करना है। फिर साथ में लैब मैनुअल वगैरह भी बनानी है, तो उनको भी कंप्लीट करना है। एंड फिर 10 अक्टूबर से हाफ रिलीज भी हैं, तो उनकी भी प्रिपरेशन वगैरह करनी पड़ेगी, साथ में मैनेज करना पड़ेगा रिवीजन वगैरह को। एंड तुम्हारे कब से हाफ रिलीज वगैरह हैं कमेंट करके जरूर से बता देना, एंड कैसी प्रिपरेशन है ये भी बता देना। पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, पर पहले डे को गुड बनाने के लिए गुड डे बिस्किट एंड चाय पी ली जाए। तो फिर मैं चाय पीने के बाद में बैठ गया मैथ्स का मॉड्यूल सॉल्व करने, जहाँ पे मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मॉड्यूल सॉल्व कर रहा था, क्योंकि टेस्ट में आने वाला है एंड इस संडे में टेस्ट है, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं मॉड्यूल कर रहा था। एंड अभी मुझे मतलब इसकी सिंगेज वगैरह भी करनी है, क्योंकि अगर मैं सिंगेज करूँगा तो थोड़ी और अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह हो जाएगी। एंड NCERT मैंने पहले से ही कर रखी है, बट सबसे पहले मुझे अभी ये मॉड्यूल कम्प्लीट करना है। एंड मॉड्यूल कम्प्लीट करने के बाद में मैं सिंगेज वगैरह करने वाला हूँ अगर टाइम मिलेगा तो। एंड अगर मैं अपने स्कूल के हाफ ईयरली की सिलेबस की बात करूँ ना, तो मैथ्स में स्ट्रेट लाइन तक आने वाला है, एंड फिजिक्स में वॉल्यूम 1 पूरी आने वाली है, मतलब ग्रेविटेशन तक, एंड केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग तक आने वाला है, एंड इंग्लिश एंड कंप्यूटर का सिलेबस मुझे अभी ज्यादा पता नहीं है। एंड हाफ अर्लीज की वजह से ही मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं साथ में चैप्टर्स का रिविजन भी करते रहूँ, जिससे कि मेरा अपना थ्योरी वगैरह रिवाइज होती रहेगी, क्योंकि एट द एंड स्कूल के एग्जाम में ज्यादातर थ्योरी आती है, एंड उसके टाइम निकाल लेता हूँ कभी कभी रिविजन के लिए। एंड PNC में अभी मेरे क्वेश्चन वगैरह नहीं बन रहे थे, तो इसलिए मैंने पहले नोट्स रिविजन करा, एंड देन फिर मैं दोबारा से क्वेश्चन पे आया मॉड्यूल के, एंड फिर मेरे क्वेश्चन वगैरह भी बनने लगे थे। तो उसके बाद में फिर मैं करने बैठ गया एडवांस इलस्ट्रेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फ्रॉम द बुक 700+ एडवांस इलस्ट्रेशन इन फिजिक्स। एंड लिटरली भाई, इस बुक के 5 क्वेश्चन करने में पूरा 1 घंटा लग गया था, बट दैट 1 आवर इज वर्थ इट भाई। बिफोर मूविंग फर्दर इन द वीडियो, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द GK पब्लिकेशन 700+ एडवांस इलस्ट्रेशन इन फिजिक्स बुक। इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर JEE एंड NEET। ये ऑल 3 सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, एंड अभी मेरे पास फिजिक्स की है। दिस बुक इंक्लूड्स एडवांस इलस्ट्रेशन, जो कि थॉट प्रोसेस बिल्ड करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। एंड इसमें तुम्हें सबसे पहले इलस्ट्रेशन मिल जाती है, एंड देन तुम्हें उसके डिटेल सोल्यूशन मिल जाते हैं, एंड इफ तुम्हें सोल्यूशन में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम्हें QR कोड भी मिल जाता है, जिसको स्कैन करके तुम वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हो। जैसा कि तुमको पता है कि कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो हमारे लिए एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इफ यू वांट टू इंप्रूव योर प्रिपरेशन, तो तुम भी इन बुक्स को चेकआउट कर सकते हो ऑन GK पब्लिकेशन वेबसाइट, एंड वेबसाइट का लिंक भी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको तुम जाके चेकआउट एक बार जरूर से कर लेना। तो अभी चलो बात करते हैं AITS के रिजल्ट के बारे में। बहुत सारे लोग आगे भी पहुंच गए होंगे वीडियो के रिजल्ट देखने के लिए, लेकिन हियर इज द रिजल्ट। एंड यहां पर आई गॉट 77 मार्क्स आउट ऑफ 300, व्हिच इज वेरी लेस, बट क्या कर सकते हैं, जो मैंने मिस्टेक्स करी थी मुझे पता है, एंड सच बोलूँगा काम चोरी करी थी, कोई ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन वगैरह नहीं करी थी, बट जितनी मैं प्रिपरेशन कर सकता था उतनी मैंने अच्छे से करी थी। एंड मैथ्स वगैरह में यार क्वेश्चन बहुत ही कम अटेम्प्ट करे थे, मैंने मैथ्स में केवल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, एंड सोचा था कि मैं फिजिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँगा, लेकिन जो AITS था वो फिजिक्स में थोड़ा सा हार्ड आ गया था, एंड आया था मतलब थोड़ा तो हार्ड था ही, मतलब लैंग्वेज का डिफरेंस था बहुत ज़्यादा, इस वजह से मैंने फिजिक्स में कम क्वेश्चन करे थे। एंड केमिस्ट्री ने अच्छा साथ दिया था, मतलब फार्मूलाज वगैरह सब अच्छे वगैरह से याद थे, तो केमिस्ट्री में सही मार्क्स थे, एंड रैंक बनी अराउंड 6700। एंड बस यही कहूँगा कि मेरी गलती थी, मेरी इस वजह से रैंक वगैरह एंड मार्क्स वगैरह कम आए,
बट यस सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लाइक टाइम मैनेजमेंट और मैथ्स की प्रैक्टिस इंप्रूव करनी होगी, साथ में फिजिक्स में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन ट्राई करने होंगे जो कि मैं अब कर रहा हूँ। एंड अभी नेक्स्ट टेस्ट भी है हमारा अभी इसी सैटरडे में, तो उसके भी प्रिपरेशन में कर रहा हूँ और देखते हैं कैसे जाता है वो टेस्ट वगैरह। बाकी जो भी मार्क्स थे मैंने तुमको बता दिया। अभी के टाइम पर ना थोड़े हाफलीज वगैरह ने परेशान कर रखा है स्कूल ने, मतलब थोड़ा सा बर्डन दे रखा है क्योंकि हमारे जो हाफलीज वगैरह हैं वो 10 अक्टूबर से हैं एंड 4 अक्टूबर से प्रैक्टिकल वगैरह है, एंड प्रैक्टिकल में फाइल्स वगैरह लिखनी है, साथ में स्कूल की सारी कॉपीज़ वगैरह कंप्लीट करनी है जो कि मैं करने वाला हूँ क्योंकि मेरी कॉपीज़ वगैरह भी कंप्लीट नहीं है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं यार, साथ में क्लासेस मैनेज करनी होती हैं, स्कूल मैनेज करना होता है, एंड डेली 2 क्लासेस होती हैं और उनका होमवर्क वगैरह, फिर होमवर्क में ही पूरा दिन ख़त्म हो जाता है। बाकी स्कूल तो मैं थोड़ा कम ही जाता हूँ लेकिन फिर भी मैनेज करना थोड़ा सा हार्ड तो है, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से फुल, एंड ट्राई कर रहा हूँ कि अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ, टेस्ट को एनालाइज कर सकूँ जितना ज़्यादा कर सकता हूँ। एंड वही मेंटर वगैरह से बात हुई थी तो मेंटर ने भी बोला था कि टेस्ट को एनालाइज करो एंड अच्छे से मतलब अपनी प्रैक्टिस वगैरह पे ध्यान दो। अब मेरे मेंटर मेरा टेस्ट भी लेते हैं हर संडे को, तो उस टेस्ट भी देता हूँ मैं। तो चलो यही था मेरा टेस्ट का रिजल्ट, अब ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद में फिर मैंने अपना लंच ब्रेक लिया एंड फिर मैं करने बैठ गया था फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का होमवर्क, एंड उनको करने के बाद में फिर मेरी 4 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। एंड अभी फिजिक्स में वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर चल रहा है जो कि मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड लगा था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड जैसा कि मेरा AITS वगैरह ख़राब हुआ है ना, तो मुझे तुमसे कुछ सजेशन वगैरह लेने हैं, लाइक तुम मेरे व्लॉग्स वगैरह देखते हो तो तुम्हें मेरी मिस्टेक्स वगैरह भी पता होंगी जो कि मैं कर रहा हूँ रिवीजन में, या फिर जो भी मैं मिस्टेक्स वगैरह कर रहा हूँ, जो भी तुमको लगता है कि अगर तुम कोई सजेशन देना चाहते हो या कुछ भी मिस्टेक्स वगैरह बताना चाहते हो तो तुम कमेंट्स कर सकते हो एंड आई विल वर्क ऑन इट। एंड फिर फिजिक्स की क्लास के बाद में मैंने केमिस्ट्री की क्लास ली थी एंड उसको कंप्लीट करा था। तो फिर क्लास एंड होने के बाद में मैंने किया डिनर, एंड डिनर के बाद में मेंटर से बात वगैरह करी फिर मैंने। एंड सच में IIT की लाइफ भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है, लिटरली मेंटर मुझे बता देते कि उनके हॉस्टल में क्या क्या होता है एंड कैसे कैसे गेम्स वगैरह होते हैं, एंड मेंटर कहते भी हैं कि जितना हो रहा है उतना करते रहो, रुकना मत बस एंड करते रहो। एंड फिर मेंटर से बात करने के बाद में मैंने थोड़ा टाइम फैमिली के साथ में स्पेंड किया। चलो मैं अभी तुम्हें अपने स्कूल के मैथ का रजिस्टर दिखाता हूँ, एंड ये है फर्स्ट चैप्टर जो कि आधा चेक है, एंड उसके बाद में सेकेंड चैप्टर एंड फिर सीधे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बाद में ट्रिग्नोमेट्री हो रखी है जो कि आधी हो रखी है, एंड उसके बाद में फिर सीधा बाइनोमियल थ्योरम है। लिटरली अगर स्कूल की टीचर्स के पास ये वीडियो वगैरह चली गई ना तो मेरी बैंड बजने वाली है, क्योंकि यार मेरी कॉपी का सिक्वेंस ऐसा हो रखा है मैथ का तो, एंड बीच बीच के चैप्टर्स वगैरह भी गायब हैं, उनको कंप्लीट करना होगा। लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम, एंड जो बीच के चैप्टर्स मैंने छोड़े वगैरह हैं उनको भी मुझे कंप्लीट करना है, तो उनको भी धीरे धीरे करके कंप्लीट करता रहूंगा मैं। एंड एट द एंड कॉपी तो चेक करानी है क्योंकि पूरे 30 नंबर का सवाल है, एंड अभी स्पीड भी पकड़नी होगी क्योंकि जल्दी जल्दी काम वगैरह भी करना है। कुछ भी कहो भाई, सच में बहुत बोरिंग चैप्टर है ये बायनोमियल्स, बहुत बोरिंग लग रहा है यार मुझे, इसको जल्दी से बंद करते हैं। फिर मैं याद करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास, एंड हाँ ये वही चैप्टर है जिससे मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, हाँ ये वही चैप्टर है जिसकी वजह से मेरा AITS खराब हो गया था, हाँ ये वही चैप्टर है जिसकी NCERT में सिर्फ हैंस प्रूव करना होता है। तो ये थी ट्रिग्नोमेट्री एक दुख भरी कथा। चलो अब जल्दी से फॉर्मूलास को याद वगैरह कर लेता हूँ। सो टाइम इज़ 2 AM एंड फार्मूलाज याद करने के बाद में मैं करने लगा था फिजिक्स में रिवीजन, वो भी सर्कुलर मोशन का, क्योंकि ये मेरा थोड़ा सा वीक चैप्टर है। सो पिछले 1 घंटे से मैं इसके नोट्स का रिवीजन कर रहा था एंड साथ में कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं, एंड उसके बाद में फिर मैंने मेंटर प्रेप की ट्रैकिंग शीट को फिल करी, एंड आज मैं 9 बजे उठा था जो कि मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। एंड उसके बाद में फिर मैंने 10 क्वेश्चन फिजिक्स के करे एंड मैथ्स के 35 क्वेश्चन करे, एंड फिजिकल केमिस्ट्री का 0 क्वेश्चन किया है जो कि बहुत गलत है भाई क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ज्यादा साथ देती है। तो अभी टाइम हुआ है 2:16 एंड अभी मुझे बहुत ही नींद आ रही है तो मैं जा रहा हूँ सोने, एंड तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो अगर तुम कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हो, लाइक AITS में रिजल्ट को इम्प्रूव करने के, या फिर जो भी सजेशन देना चाहते हो वो तुम दे सकते हो, एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।